सिक्स डायल से एक्टिंग करवा चुका है हॉलीवुड। यूट्यूब पर मौजूद हैं ये फिल्में सिक्स डॉल्स को लेकर बीते दिनों काफी चर्चा रही। सुनने में ये कॉन्सेप्ट काफी नया लग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड में सिक्स डॉल्स का इस्तेमाल काफी अरसे से होता आ रहा है। बीते दिनों चाइनीज सिक्स डॉल चर्चा में रही। इस डॉल के सुर्खियों में रहने की वजह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एक रोबोट की तरह बोलने वाली सिक्स डॉल। अब ये कॉन्सेप्ट भारत में किस तरह से अपनाया जाता है या भारतीय बाजार में ये अपनी जगह बनाने में कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट सुनने में नया लग रहा है। अगर आप भी उनमें से हैं तो बता दें कि बॉलीवुड में भले ही ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कभी ना हुआ हो, लेकिन हॉलीवुड में सेक्स डॉल्स का इस्तेमाल अरसे से होता आया है। अगर आपको ऐसी कोई फिल्म याद नहीं पड़ती तो फिक्र किस बात की। यहाँ है उन फिल्मों की लिस्ट जहाँ सेक्स डॉल्स का इस्तेमाल किया गया था। साल 1999 में आई फिल्म आईज वाइड शट में कई दृश्यों में सेक्स डॉल का इस्तेमाल किया गया है। टॉम क्रूज की ये फिल्म एरोटिक ड्रामा थी और इस सीन के कई दृश्यों पर आपत्ति जताई गई थी। आर आर मार्टिन के उपन्यास से सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित इस वेब सीरीज को भारत में हॉटस्टार पर प्रदर्शित किया गया है। इस फिल्म में कई न्यूड सीन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम सीन ऐसे हैं जिनमें असली किरदार मौजूद है। गेम ऑफ थ्रोन्स में कई सेक्स डॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। साल 1995 में आई इस फ्रेंच अमेरिकी फिल्म की कहानी एक स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जो अमेरिका के लास वेगास में जाकर बर और स्ट्रिप डांसर अपना करियर बनाती है। इस फिल्म में कई डांसर्स को दिखाने के लिए डॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में आई फिल्म शेम के अंदर एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई जो एक सेक्स एडिक्ट है। लंबे अरसे से सिंगल रहा ये शख्स अक्सर प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्स करता है, मास्टरबेट करता है, दफ्तर में अपने कंप्यूटर पर पॉर्न देखता है। साल 2006 में आई क्रैंक एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। जेसन स्टेथम, एमी स्मार्ट, जोस पाब्लो कैंटिलो, कार्लोस सांच जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में एक सीन में सेक्स डॉल का इस्तेमाल दिखाया गया था।